बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस किए हैं एंड एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है कि उनकी एक्सपीरियंस बहुत कम होती हैं एंड डिस्पाइट दैट इतना अच्छा एक आउटफिट बनाना एंड मेरे लिए एंड बहुत सारे अदर मॉडल्स के लिए करना इज आई थिंक अमेजिंगली ग्रेट अचीवमेंट. ये एक्चुअली मदर्स डे इज़ द मोस्ट स्पेशल डे फॉर मी इन माई लाइफ. गॉड ब्लेस मी विथ टू मास माई मम एंड माई मासी एंड मैं हमेशा मानती हूँ कि जब हम मांगते हैं तो ऊपर वाला ना छप्पड़ फाड़ के दे देता है. तो आई थिंक आई जस्ट गॉट सो मच लव दैट मदर्स डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दिन मैं चल सकी स्टेज पे आई एंजॉयड माई सेल्फ एंड सो डिड शी वॉज वेरी नर्वस बट शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट वंस शी इज़ ऑन स्टेज एंड आज मैं उनके आज का दिन ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा में होते हैं. तो फॉर मी इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैट दे हैव मोर फन देन मी एंड आई एंजॉयड दिस होल डे सो ब्यूटिफुली वेल एंड दिन तो कुछ शुरुआत अच्छी दिन की शुरुआत अच्छी थी एंड इट एंडेड विद दिस सो आइसिंग ऑन द केक. बचपन में तो इट इज़ वेरी मतलब तभी नया नया आई थिंक ये मदर्स डे एक्चुअली I've heard this trend now and when I was a kid I was told that this so I thought it is a more special day when you thank people you love whether it's any Valentine's Day Mother's Day and main to kehti hu har din you have to thank and be grateful to relatives ho ya people who are with you so because it's a special day giving them cards and giving them appreciation and love agar saath mein nahi hai to messages bhejna एंड सो बचपन से वैसे जैसे मैंने कहा दो माओ का प्यार है मम एंड मासी बोथ सो इट हैज़ बीन आई हैव बीन क्वाइट स्पॉइल्ड वेल स्पॉइल्ड बाय देम. मम्मी से डरती थी तो मासी को और मासी से मम्मी को बट ऐसा होता वैसा हैज़ ऑलवेज बीन माई मम्मा एंड She's my mother confessor. I call her my masi. So she knows everything. And but I think वो एक they were also smart. They वो अपनी जुगलबंदी खुद लगा रखे थे so that I could bring out a balance. So they were quite smart. They knew everything. And हमें ही लगता था कि यारे इनको नहीं पता उनको नहीं पता. चलते चलते आपके आने वाले projects के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है. Well, I finished 3 films. I finished working on them and they'll release hopefully soon now. Maybe this year there'll be a release of a film called Flames, जो काफ़ी international film festivals में जाकर आई है and Australian film festival में I've got the best actress award. So let's hope when it comes here and we can have a nice happy audience. वो कुछ languages में dub होके mostly they will release this soon. I don't know when but yeah that's due for release for sure. Thank you so much. Thank you.